रविंद्र जी यहीं से बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि मस्टर्ड सीड के अंदर एक बार फिर से बाइंग निकलती हुई नजर आ रही है। हमने मस्टर्ड सीड को 8400 के लेवल्स पर भी ट्रेड करते हुए देखा है, अब देख रहे हैं कि 8600 के लेवल्स पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो रविंद्र जी अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से मस्टर्ड सीड बिना ओवरबॉट हुए और बिना ज़्यादा बियरिश आउटलुक होते हुए कंसिस्टेंसी के साथ तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है, तो क्या सरसों इस बार एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाती हुई नजर आ पाएगी? देखिए एडिबल ऑयल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन ये बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज जरूर कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पैक पूरे पैक में एक ऐसा सेगमेंट रहेगा जिसमें हमें सबसे कम वोलेटिलिटी के साथ प्रॉफिट्स मिलेंगे और जो रिटर्न्स हैं वो काफी अच्छे रहेंगे। अभी भी यहाँ से चांसेस लग रहे हैं कि 8800 को टारगेट कर सकती है, क्योंकि जितनी करेक्शन इसमें होनी थी 8400 के आसपास के इसके सपोर्ट थे, वहीं से कमोडिटी ने रिवर्स किया और अभी 8630 के आसपास ट्रेड कर रही है। चांसेस यही लग रहे हैं कि यहाँ से अगर ये 8660 के लेवल को ब्रेक करती है तो अपर साइड में 8750 और 8800 के टारगेट अचीव करेगी। जी रविंद्र, जैसे कि आपने अभी बताया कि सरसों 8800 पर टारगेट करता हुआ नजर आ सकते हैं, तो हम देख रहे हैं कि अब विंटर सीजन भी स्टार्ट होने वाला है और देख विंटर सीजन में देखते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स की जो कंजप्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और जो पल्सेस कंजप्शन है वो थोड़ी कम होती हुई नज़र आती है, और अगर ग्रीन वेजिटेबल्स का कंजप्शन ज़्यादा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कुकिंग ऑयल भी ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, और अब भारत के अंदर देश में मस्टर्ड ऑयल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इस समय, तो आपको क्या लगता है अगर ऐसा होता है तो क्या सरसों 9000 तक भी जाती हुई नज़र आ पाएगी? देखिए इसमें क्या है कि अभी 5 से 6 महीने का टाइम है जो इसका सीजन जो अराइव हो गए नेक्स्ट जो इसकी फसल है उसमें 5-6 महीने का वक्त है, और इसमें जो टन जो इसका इन्वेंट्री है वो 30 लाख टन के अराउंड ही है, तो वो आई गेस कम हो सकता है आने वाले समय में, और जैसे जैसे वो इन्वेंट्री इसकी कम होगी उसी तरीके से प्राइसेस को हम शूट अप होते हुए देखेंगे, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कमोडिटी जो है ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है और साथ साथ में करेक्शन भी ले रही है, क्योंकि जैसे कुछ नेगेटिव न्यूज फ्लो होता है तो ये एक छोटी करेक्शन लेती है, लेकिन उसके बाद में इसके फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो जो मार्केट में शॉर्ट टर्म न्यूज आती है या र्यूमर्स आते हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट कर नहीं रहे इसके प्राइसेस को। जी तो इसमें जरूर हम 9000 तक के लेवल भी अपसाइड में देख पाएंगे। जी